तो गाइस आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग खेलने जा रहे हैं DTW 1। और आपको तो पता होगा हमने जैक को रेस्क्यू कर लिया था, हमारे जैक के दोस्त को। और उसके बाद में डगन बॉस का अभी तक कोई कॉल नहीं आया है, और हमने डगन बॉस की दो शर्तें मंजूर करी थी। जैसे कि फर्स्ट शर्त थी बिग बिल्डिंग को ब्लास्ट करना, वो भी प्राइम मिनिस्टर की बिल्डिंग, और उसको भी ब्लास्ट कर दिया था। और सेकेंड मिशन था एल रूबियो की रूबी चुराना, वो दोनों मिशन तो हमने कर लिए थे। लेकिन उसने हमारे दोस्त को छोड़ दिया था, और हमारा दोस्त जैक अभी अपने घर पे है, क्योंकि उसको किरल ने दिखा दिया हॉस्पिटल। और किरल को हॉस्पिटल दिखाने के बाद में जैक बहुत थोड़ा अच्छी तरीके से तंदुरुस्त हो गया, और अब वो अपने घर चला गया है, और हम उससे मिलने जाएंगे। पर उससे पहले पॉक्सल्स स्टूडियो के सामने मस्टैंग खड़ी है, और पॉक्सल्स स्टूडियो की कार ही चुराता हूँ मैं, तो जल्दी से चुरा लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई सही कार नहीं है। और अगर आपको इसमें से कोई भी, इस गेम के अंदर जितनी भी कार है उन सब में से कोई भी एक ऐसी अच्छी कार लगती हो जिसका नाम कमेंट्स में बता देना। तो लेट्स गो, अब हम जल्दी से चलते हैं और पहुँच के मिलते हैं हम अपने जैक के घर पे। लेट्स गो गाइस, हम पहुँच चुके हैं जैक की कॉलोनी में, और अब जल्दी से चलते हैं। और हमारे पीछे लॉस्ट ऑफ कॉप्स भी पड़ चुकी है, कॉप्स पड़ चुके हैं, पर कोई बात नहीं, अब हम जल्दी से चलते हैं और जल्दी से जैक से मिलते हैं। ये जैक किधर गया? मेरे को कल रात किरल ने तो बोला था वो अपने घर चला गया, कोई बात नहीं, किरल से ही मिल के पूछ लेते हैं। तो अब जल्दी से हम किरल के घर चलते हैं, पर हम कुछ ना कुछ तो करते हैं। ओके, लेट्स गो गाइस, हम किरल के घर पहुंच चुके हैं, मतलब कि किरल की कॉलोनी में, और अब हम जल्दी से चलते हैं और जल्दी से किरल की हालचाल, और किरल की हालचाल तो पूछेंगे, पर किरल से ये भी पूछ लेंगे कि जैक किधर है, और जैक को उसने कहाँ पे भेजा था, नहीं किरल को ही पता होगा। ओके, तो जल्दी से चलते हैं। ओके, तो ये कोई बिजनेसमैन का घर है, इस अपन उससे अपनी कार के शोरूम की बात भी कर लेते हैं। लेट्स गो, हमने अपनी टूटी फूटी मस्टैंग खड़ी कर दी है। ओके ओके ओके, ये क्या मून ग्रेविटी? ओके, ये चीट्स हैं, हम पता है, हमें पता है सब कुछ। ओके, इसका मेन गेट तो बंद है, तो गाइस इसका मेन गेट बंद है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, बाद में आएंगे। और अब हम जल्दी से चलते हैं जैक को पता लगाने, वो भी किरल से पता लगाएंगे जैक किधर है। तो अब जल्दी से किरल से बात करते हैं, किरल तुम्हें पता है जैक किधर है? क्योंकि इसको तो कुछ नहीं पता लगता है, पर किरल ने मुझे एक मिशन दिया है। ओके, तो किरल ने मिशन मुझे ये दिया है कि किरल ने जैक को ही भेजा है अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर पे। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मेरे को क्या पता, पर जैक और किरल ने मिलके एक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा है, जहाँ से एक है प्लेन हमें लेके आना है अपने एयरलाइन पे, जिसने हमारे एयरपोर्ट पे हैं, और वहाँ की एयरलाइंस पे हम उतार देंगे, और फिर अपनी क्या कहते हैं उसे, शटर वाले अपने एरिया पे जाकर हम अपना एरोप्लेन पार्क कर सकते हैं। मेरे को अभी नॉलेज नहीं है, पर आपको पता होगा उसको क्या कहते हैं जहाँ पे हम अपने एयरपोर्ट पार्क करते हैं, क्या पता। आप जल्दी से चलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे, उसके लिए हम एयरपोर्ट पे आ गए, वहाँ पे हम अपना प्राइवेट जेट खड़ा होगा, तो जल्दी से जेट में चलते हैं। तो ऑलराइट गाइस, हम पहुँच चुके हैं अपने प्राइवेट जेट में, और अब जल्दी से बैठते हैं और जल्दी से पहुँचते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे। ओके, जल्दी से पहुँच रहे हैं। तो गाइस, हमारे मैप के अंदर वो एयरक्राफ्ट कैरियर सेंसर, उसके सेंसर आने लग गए, और वो हमारे मैप के अंदर दिखना शुरू हो चुका है। तो लेट्स गो, हम अब जल्दी से चलते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं। किरल ने जो लोकेशन दी है एयरक्राफ्ट कैरियर पे, वहाँ पे हम टेक ऑफ करते हैं। लेट्स गो, देखते हैं, मैं अगर मैंने सही टेक ऑफ कर दिया इस प्लेन का या लैंडिंग कर दी, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। ओके ओके ओके, जल्दी से पहुँचते हैं हम इसके अंदर, होने वाला है, लाइक करना तो बनता ही है। ओके ओके ओके, एक भी हेल्प नहीं करी, हाँ तो अब आपको लाइक करना पड़ेगा।
लेट्स गो। ओके हम यहाँ पे पार्क कर देते हैं। अब कोई सा भी एक एरोप्लेन चुन लेते हैं जल्दी से। कौन सा लू? ये वाला लू। किरण ने बोला कोई सा भी एक अच्छा सा हेलीकॉप्टर या प्लेन जो तुम्हें अच्छा लगे वो लेके आ जाना। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये फौजी जैसे लेके चले, क्योंकि ये मैंने आज तक कभी भी नहीं उड़ाए। आपको अगर पता होगा पिछले वाले मतलब कि पहले वाले एपिसोड्स में मेरे मैंने इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे आके एक प्लेन चुराया था, वो एयरक्राफ्ट कैरियर अब मेरे हो चुकी है। कोई बात नहीं, ये हेलीकॉप्टर तो फूट चुका है पर हमारा दूसरा हेलीकॉप्टर भी मतलब कि प्लेन पड़ा है, जेट फाइटर जेट। ओके मेरे को भी बनाना होगा, मैं बिल्कुल उसको आप गलती को माफ़ कर फाइटर जेट के पास मतलब कि फाइटर जेट से क्लचिंग करते करते हमारे प्यारे एयरपोर्ट को तो आ चुका हूँ, उसकी एयरलाइन पे लैंडिंग कर लेते हैं। ये तो उसकी हेल्प हमने इसको भी टेक ऑफ मतलब कि लैंडिंग अच्छे से कर ली और करवा देंगे हमारे उसका गैरेज। गैरेज नहीं था मतलब कि यहाँ पे एयरलाइन पे भी कुछ मैकेनिक करते हैं करवा देंगे और ड्राइवर जाते तो हम उसको पार कर देते हैं। ओके गाइस, हमने यहाँ पे फिर सोचा अगर जहाँ पर हमारा ट्रेन करता है फिर करते हैं को। अब हम ले पास कर रहे हैं। ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हम अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते हैं और लाते रहेंगे। तो सी यू टुमारो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।